दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा स्मार्टफोन का रिव्यू क्या छोटा मोटा मैं करूँगा, फिर भी करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको दिया जाता है दोस्तों 5G का सपोर्ट दोस्तों, और इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स डाला गया है दोस्तों। आपको स्क्रीन में ही फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाता है दोस्तों, इसमें फेस लॉक भी मिल जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, और इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड इंफिनिटी ओ डिस्प्ले इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। और इसमें आप लोग 5G का सपोर्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। और इसका जो प्रोसेसर रखा गया है ऑप्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाएगा, और 8GB रैम वाला स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर आपको मिलेगा। लेकिन 6GB रैम वाला जो स्मार्टफोन होगा शायद उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ना हो, उसमें सैमसंग का ही प्रोसेसर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और 4500 mAh का इसमें बैटरी दिया गया है 15W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया में कब तक लॉन्च होता है दोस्तों। और इसमें 32 MP का दोस्तों फ्रंट कैमरा दिया गया है, 12 MP और 12 MP और 8 MP का रियर कैमरा दिया गया है। 32 MP अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों। लेकिन बैटरी थोड़ा सा कम दे दिया है, 4500 mAh का बैटरी दिया है, बैटरी 5000 mAh तक दे देता तो अच्छा होता। ठीक है, लेकिन इसका प्राइस का जो अंदाज़ा किया जा रहा है दोस्तों, इसका प्राइस वो हो सकता है 50,000 से 60,000 rupees के अंदर इसका प्राइस हो सकता है दोनों की स्मार्टफोन की। ठीक है, क्योंकि 6GB रैम के साथ आएगा 128GB इंटरनल स्टोरेज में, और 8GB रैम के साथ आएगा 128GB इंटरनल स्टोरेज में, और 8GB रैम के साथ आएगा 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। ठीक है, देखते हैं कितना कीमत पे लॉन्च होता है दोस्तों, रिव्यू कर लेते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो, और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है इतना कलर दिया गया है ना दोस्तों, इतना कलर दिया गया है कोई सा भी कलर खरीद सकते हैं। सारा कक्ष का सारा कलर मेरे को बहुत पसंद आया, एकदम रंगील पे रंगील है, तो अच्छी बात है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना चाहिए शेयर भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिए, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट तक पहुँच जाएगा। बाय।